श्री रतन देवा सिंह संख्या 47 हो गया श्री माननीय मंत्री जी पढ़ने दीजिए मैं जवाब क्वेश्चन अवर में आपका दूसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अध्यक्ष महोदय आपकी व्यवस्था है पुरानी अध्यक्ष महोदय जवाब मेरे पास आ गया मैंने पढ़ लिया उसको वो मुझे बदलना होगा बदल दूंगा आप बैठिए आपको अनुमति नहीं है बिना अनुमति के आप नहीं खड़े हो सकते बैठिए खड़ा होना है साथ में मैंने नहीं दी देने का अधिकार मेरा है देने का अधिकार मेरा है आपका नहीं है हाँ नहीं अनुमति आप राजो माननीय अध्यक्ष महोदय हाँ इसको मैंने पढ़ लिया है हाँ। मैं सप्लीमेंट इसमें चलो पूरा प्रश्न पूछे यस मैं सप्लीमेंट अध्यक्ष महोदय इसमें जवाब में जो खंड दो में माननीय मंत्री महोदय ने जो बात जवाब आया है मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा सवाल ये था कि जो नवगठित जिले हुए हैं जिसमें नवगठित सांचौर जिले की बात हुई है उसमें जो ज्ञापन आपको प्राप्त हुए उसमें आप उसमें जो सीमाओं में उन्होंने जो छूट मांगी है वापस आपको एक्साइज करके उसमें जो सीमाएं में परिसीमन करना है पूर्ण सीमांकन करना है उसके बारे में पूछा है आपने जवाब में लिख दिया ये बात ठीक है कि 6 अक्टूबर को और 7 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को जो 2023 को माननीय मंत्री जी राजस्व मंत्री को अधिकृत किया था सरकार ने उसमें उन्होंने 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को आंशिक परिवर्तन कर दिया शेष ज्ञापन को हमने अध्यक्ष उच्च स्तरीय समिति को भेज दिया और उसके पश्चात आपने ये लिख दिया कि 18 तारीख को आपकी सरकार का गठन होने के पश्चात 18 दिसंबर 2023 को हमने उच्च स्तरीय समिति को जो है वो भंग कर दिया खत्म कर दिया तो जो ज्ञापन आपने मुझे जवाब दिया कि हमने ज्ञापन उच्च स्तरीय समिति को भेज दिया है और उस समिति को आपने खत्म कर दिया है तो उस ज्ञापन की सब मेरे तीन प्रश्न इसमें है तीन प्रश्न मेरे ये पहली बात तो जो ज्ञापन आपने उच्च स्तरीय समिति को भेजा है और समिति को भंग कर दिया है तो उसका स्टेटस क्या रहेगा एक नंबर दो प्रश्न ये है कि मैंने ये जवाब मांगा था कि आप उन ज्ञापन में क्या उनको परिसीमन पूर्ण सीमांकन या आंशिक संशोधन की मांग जो की गई है जिसके लिए उन्होंने धरना दिया था और आपके लोगों द्वारा कमिटमेंट किया था सरकार होने के एक महीने में हम कर लेंगे तो क्या आप उसमें परिसीमन पूर्ण सीमांकन या फिर आंशिक संशोधन उन ज्ञापनों के आधार पर करेंगे कि नहीं करेंगे ये दो प्रश्न मेरे हैं माननीय मंत्री जी जो ये कमेटी है जिसको भंग कर दिया गया था और जो ज्ञापन और ये सब आए थे अब ये कमेटी दिनांक 18/12/2023 उच्च स्तरीय कमेटी को समाप्त कर किया जा चुका है आने वाले समय में माननीय मंत्री जी ये पूछना चाह रहे हैं उस ज्ञापन का अब क्या होगा ये पूछ रहे हैं इसका उत्तर दे दीजिए ज्ञापन का क्या होगा और क्या आप करना चाहते हो कि नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय क्योंकि जिले की गठन करना और जो कमेटी के माध्यम से था उस कमेटी को भंग कर दिया गया है आने वाले समय में उस कमेटी का गठन करके इस बारे में विचार और विमर्श किया जाएगा ये बैठिए अगला प्रश्न श्री राम निवास